अगर आप हैं रियलिटी शो बिग बॉस के डेली व्यूअर तो बीते एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे ईशा मालविया के करंट बॉयफ्रेंड समर्थ जुरैल ने घर के अंदर एंट्री ले ली है और कैसे अभिषेक कुमार पूरे तरीके से बिखर गए। अभिषेक टूट कर रोए, इतना रोए अभिषेक कि घर वालों को अभिषेक को संभालना पड़ा। अभिषेक की हालत देखी नहीं जा रही थी। अब अभिषेक कुमार के भाई जैसे दोस्त ने उड़ाई हैं ईशा मालविया की धज्जियां। अभिषेक कुमार के दोस्त ने ईशा पर क्या कहा, जरा ये सुनिए। सो हेलो गाइस, आप सबने देख ही लिया होगा कि ईशा का बॉयफ्रेंड आ रहा है ना। बड़े ईशा के सब गुण गा रहे थे, इतनी अच्छी लड़की है, ये है वो है ना। झूठ बोल रही थी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, फलाना नहीं है ना। देखो, सच जितना मर्जी छोटा हो बाहर वो आ ही जाता है। और रही बात उनकी जो मेरे को बोल रहे हैं कि कोई काम धंधा कर ले, फलाना कर ले, आपको पता है मैं पैसे कितने कमाता हूँ? जरा मेरा लाइफस्टाइल देखें, जाके जरा देखें मैं कैसे घूमता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ। तो मेरे काम धंधे पे मत जाओ, मुद्दे की बात पे आओ। जिस ईशा के तुम गुण गा रहे थे उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है अब बिग बॉस के शो पे, अब क्या कर लोगे आप? बहुत तुम्हारी ईशा बहुत सच्ची थी, कहां गई उसकी सच्चाई? उसको भी नहीं पता होगा कि उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है। अब मजा आएगा गेम में। अब गाले ना गुण उसके। बड़े बड़े अभिषेक पे इल्जाम लगा रहे थे ना आप लोगों की, एग्रेसिव है, ये है वो है उसी। और रही बात मेरी, ये वहम में मत रहना कि अभिषेक अंदर है और वो कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाएगा। जब तक उसके भाई जिंदा है ना, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बात इधर की उधर नहीं कर सकता। ईशा को जो इंडस्ट्री में जानता है वो आ जाओ, जिसमें दम है वो आ जाओ। सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए, समझ रहे हैं? कोई आ जाओ, खड़े हैं, खड़े सीना चौड़ा करके खड़े हैं। ये मत सोचना कि वो बेचारा अंदर है और उसकी इमेज गलत होने दे देंगे हम। मैं कह रहा हूं एक पैर पे खड़े हो के भी अगर उसके लिए लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। कोई ऐरा गहरा उठ के एवी नहीं उसको बोल सकता कि एग्रेसिव है, बदतमीज है, फलाना है। हम तो उस पे लड़ाई कर रहे हैं कि वो साला एग्रेसिव बना क्यों। 2019 में मैं उसको मिला था, बड़ा शांत लड़का था वो, मेरी फिल्म आई थी तब उसको मिला था मैं, बड़ा शांत बंदा था। ईशा के बाद वाला अभिषेक वो बन गया सिचुएशनों की वजह से। खड़े हैं खड़े, जो मर्जी आ जाओ, जितने मर्जी आ जाओ। ईशा मालविया अब तक ये कहती आ रही थी कि उनका कोई करंट बॉयफ्रेंड नहीं है। ईशा ने सलमान खान के सामने भी यही कहा, लेकिन उनके खुद के बॉयफ्रेंड ने उन्हें पॉपुलैरिटी के लिए, फेम के लिए धोखा दे दिया और ले ली बिग बॉस में एंट्री। बेचारी ईशा, पहला लड़का मिला तो वो इतना गुस्से वाला कि जिसकी कोई हद नहीं, दूसरा लड़का मिला तो उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को झूठा साबित कर दिया और आ गया बिग बॉस सीजन 17 में। रही बात ईशा की, तो वो तो खुद ही अपने झूठों में फंसती चली जा रही हैं। ईशा मालविया क्यों साफ साफ नहीं बताती आपकी जिंदगी में कौन है? 19 साल की उम्र में चाहते ना चाहते हुए दो लड़कों के जज्बातों के साथ खेल रही हैं आप। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।